जनन जी, अलहमदिल्ला, यहाँ हमारी सहरी आ गई है आज गांव में। तो सहरी कुछ इस टाइप की है, बिस्तर में ही यानी चारपाई पे ही हमें सहरी दी गई है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो भाई बिल्कुल अंधेरे में बैठा हूँ, तो इग्नोर कीजिएगा कि कुछ चीज़ सही ना आया हो, मेरा मुंह भी सही ना आया हो। तो अभी जल्दी जल्दी बिस्मिल्लाह करके सहरी करते हैं। और सहरी में आज ये क्या है भाई, चने की दाल है, साथ में दही है और दो रोटियां, और पता नहीं इसमें से एक रोटी खा सकता हूँ या दो खा सकता हूँ। तो चले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना सुबह सुबह हम उठ गए, और आज जो है ना हमारा दूसरे मोबाइल से ही हम बना रहे हैं ब्लॉग। हाँ भाई गोलू, ओ गोलू चले घर, चले शिकरू को भी ले चलो ना, शिकरू घर चलने मिले, चलो फिर चलो 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 तैयारी करो, चलो फिर जाओ कपड़े पहनो, चलो उठो, ये गाड़ी भी लेती चलो, हाँ ये फटी भी लेते चलो, हाँ हाँ आप भी फटी लेती चलो। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो है ना हम लोग घर पहुँच गए, और घर पहुँचने के बाद अभी जो है ना हम जा रहे हैं बबली भाई की जो है ना पट्टी चेंज कराने, और इसको डॉक्टर से चेकअप करवाने। हाँ भाई बबली भाई चलें, और तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है। और गोलू 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 कैसी है तबीयत? आज स्कूल नहीं गई क्यों? ये इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये क्या का पानी गिरा है अपने ऊपर? बात तो चंगा बुलंद बंदे ही में रखा दिखी है। सीधी करेंगे, सीधी करेंगे आप करेंगे, हाँ आप करेंगे, सीधी करेंगे, सीधी करेंगे। ठीक है, पट्ठा अकड़ा दी थी, कुछ नहीं। अच्छा, पट्टी की जरूरत क्या नहीं जान सर, पट्टी की जरूरत क्या नहीं, इंशाल्लाह ये मालिश करो सो पट्ठा चाल वैसे बिल्कुल ठीक है, बेबहा है हड्डी, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, पट्टी शट्टी करा ली है, चेकअप करा लिया है बच्चे का। अभी जो है ना हम फिर से वापस जा रहे हैं घर की तरफ, और भाई काफ़ी दूर आए हैं, और मेरी बाइक ने चार पाँच दफ़ा रुकी है, इसको फिर से स्टार्ट करके फिर से 5-10 मिनट रेस्ट दे के ना हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर कर गए हैं, अभी 50 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर आज मेरी बाइक करेगी। तो इंशाल्लाह चलें, अब चलते हैं क्योंकि आगे रास्ता जो है ना बिल्कुल ख़राब ख़राब सा है। तो चलते हैं घर, फिर आपसे मुलाकात होगी। भाई सुबह 9 बजे के निकले, निकले 9:30 9:30 के निकले, अब जो है ना हमारे 2 बजे घर। और यहाँ अबू बकर जी, अबू बकर क्या चाहिए आपको, क्यों गुस्सा हो भाई बताओ? अब वाई यू आर सो एंग्री विथ मी बेटा, टेल मी ना, प्लीज प्लीज टेल मी ना, बोलो ना प्लीज, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। तो भाई इसने मैसेज किया था कि भाई मुझे ना कॉल कीजिए कि भाई चावल छोले ले गया था, और मैं इनको अभी बता क्या बोलूँ इनकी अम्मी को कि भाई पता भी है रमजान है, बच्चों को ऐसे बोलते हैं, और घर में चावल पड़े हुए थे परसों वाले जो थे ना, वो कदम के घर फ्रीजर में रखे हुए थे, तो हमारा तो नहीं है तो उधर ही रखते हैं, तो उधर रख के गए थे, तो मैंने कहा आप वो दे देती, तो बोलते मुझे याद ही नहीं था। अब और क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं ले आता हूँ, डोंट बी एंग्री, नो डोंट, नो 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 डोंट बी एंग्री सो मच विथ मी, आई लव यू ना। चलो फिर से बैठने के हूँ, तो इसने फिर से मुझे बुला लिया। यस यू टेल मी व्हाट डू यू वांट, वाले दो व्हाट व्हाट वो व्हाट गिने दो, क्या क्या ले दूँ, चलो तो क्या, चलो तो मैं चलूँ तो, हाँ भाई ये देखें बबली भी साथ है, ओए होए होए रोजा नहीं अल्लाह अकबर, तो भाई मेरा मालिक, हाँ भाई चलते हैं, चलो आ जाओ। भी पहले भी मैं गया था सब्जी सब्जी लेके आया हूँ मैं और अबू बकर, और अब फिर से मैं जा रहा हूँ भाई, थोड़ा आधा घंटा बैठा हूँ, मैंने कहा कोई बिजली है तो पंखे वंखे पे बैठ लूँ, लेकिन जैसे ही बैठने की कोशिश की है वैसे ही बिजली चली गई है। तो अब जो है ना फिर से मुझे जाना है टमाटर मिर्चें वगैरह लेके आनी है, नहीं टमाटर नहीं प्याज और मिर्चें और पालक लेके आनी है पकौड़ों के लिए, क्योंकि बच्चे आए हुए हैं घर में, तो मैं भी हूँ वाइफ भी है, हम दोनों को रोज़ा है,
तो रोज़ा भी हो जाएगा और बच्चे भी खा लेंगे मस्त मौल मीठे चावल हो गए। तो अभी चलता हूँ और देखते हैं आगे क्या, और भी पूछ लेता हूँ भाई से क्या क्या ज़रूरत है। चलें भाई अलहमदिल्ला यहाँ से अभी सब्जी शब्जी ले ली है हमने और थोड़ी सी लिए, पहले हम ले गए थे तो अभी गोलू भी साथ में। हाँ गोलू आपने कुछ खाने क्या? साग खाने? हाँ शह खानी है। चलो ठीक। तो चले भाई नेक्स्ट स्टॉप जो है ना आपको पता ही होगा ये लोकेशन देख के आसिम भाई के पास, और इसने कुछ लेना था। हाँ बोलो क्या चाहिए? तो चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह क्या बोलते हैं, मैं लेके आ गया हूँ यहाँ बेसन और यहाँ पालक और कुछ थोड़ा सा और सामान है वो भी लेके आ गया हूँ पकोड़े बनाने के लिए, और प्याज भी लेके आ गया हूँ। तो अभी जल्दी जल्दी जो है ना हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। कटिंग वाला बोर्ड भी हमारे पास आ गया। हाँ भाई कुछ काम करा लिया करो भाई, क्या है ये? ओ वाओ। तो चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो है ना हमारा पकोड़ों का इतना सा सेटअप बन चुका है, और आज घी यूज़ कर रहे हैं और घी भी गर्म होने वाला है। और उसके अलावा ये जो है ना ये मैं बनाता हूँ पकोड़े हमेशा, इसमें जो है ना मटर डाले हुए, पालक डाला हुआ है, और आपकी भाभी ने जो है ना ये देखिए मैं नहीं था तो ये भी ले लिया आज, मैं गया होता ना बच्चे के साथ वो क्या चेक करानी उसकी टांग, तो ये भी ले लिया। ओ बाजू, सॉरी टांग तो नीचे हो गई, बाजू 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 भाई सॉरी 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 मैं भूल जाता। अच्छा तो वो कह रहा चेक करवाने गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से आ गए थे। तो अब जो है ना बस ये जैसे ही बनेंगे रेडी होंगे फिर आपको दिखाता जाऊंगा साथ के साथ। और भाई ये तो मेन आइटम है ना हमारा, हमारे घर का मेन आइटम है भाई, पकोड़े कुछ हो या ना हो पकोड़ा जरूर होगा। तो चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखिए हमारे पकोड़े जो ना मस्त मौल मीठे चौल पे हुए। आज रिजल्ट चेक करें कैमरे का तो कैसा आ रहा है रिजल्ट बताइएगा जरूर, आज रिजल्ट जो है कैसा है। और यहाँ जो है ना वाइफ जो है ना रख रही है क्या? हाँ अब सही है, अब सही है, अब जो है ना हम पकोड़े तल तल के इसमें डाल सकेंगे। हाँ ये देखिए ये आज लिया क्या है इसने, ये देखिए याद था, लेकिन वो दूसरा लेती ना जाली वाला वो तो ज्यादा बेहतर था, उससे ये है कि पूरा जो है ना ऑयल जो है ना निकल जाता है। चले ये भी अच्छा है, इससे भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई ये दूसरी दफा सिर्फ पक ही रहे थे, और नीचे से जो है ना हमारा सिलेंडर बोलता है बाय बाय, और ये देखिए पूरा खुला हुआ है। तो ये बोलता है बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज मैं जा रहा हूँ। तो अभी वाइफ को बोला इसको उठाएं और बाहर खुद पकाएं, क्योंकि हम सिलेंडर पे ही पका सकते हैं, समझे बात को, समझे आपका भाई जो है ना सिलेंडर पे ही पका सकते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं रोटियां भी लगवा के आ गया हूँ, और भाई बहुत बहुत लेट मैं चीजें ये कर रहा हूँ, क्यों उसकी वजह ये कि भाई वीडियो शूडियो नहीं बना रहा, पहले रोटी लगवाने की, रोटी से पहले ऐसे सामान सामान लेते तो भाई बाइक चलाता या वीडियो बनाता तो एक ही काम होता, तो बार बार सामान लेने जा रहा था। तो अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बस रेडी होके अभी बैठते हैं सुफरे फुफरे पे और मस्त मौल बैठे जाओ। तो चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां शोटियां लगवा के आ गए हैं, बाकी 10 मिनट रहते हैं तकरीबन, और सालन शालन भी रेडी हो गया वाइफ ने कर लिया है। तो अभी बस चलते हैं सुफरा शुफरा लगाते हैं, गोलू को बोलते हैं सुफरा लगाए और मस्त मौल बैठते हैं, और मैं तो बस थोड़ा सा हाथ मुँह धो लूँ, और कपड़े भी आई थिंक चेंज करने हैं मैंने, तो जल्दी जल्दी ये भी कर लूँ। तो चलें भाई सबसे पहले देते हैं गोलू को सुफरा। चलो भाई गोलू ये लो, चलो 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 चल के, हाँ चलो भाई जुई चलो साथ में सारे आराम से आराम से, इधर 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 अबू बकर, हाँ चलो बिछा दो, चलो गुड। चलें भाई अब देते हैं खजूरे, सुफरा जो है ना इन्होंने लगा दिया, ये लो गोलू चलो 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 चलो, हाँ आपको भी देता हूँ, चलो आप बैठ जाओ, आपकी हाथ में दर्द है ना बैठ जाओ, हाँ उधर खड़े हो जाओ ऐसे लाइन में। तो चलो भाई ये जाओ रख के आ जाओ, और फिर बबली को ना ये खाली ट्रे दे देना, जाओ बबली खाली ट्रे ले आओ, ट्रे खाली करके ले आओ, ले आओ ले आओ ले आओ, हाँ ये बबली को दे दो अब दे दो, हाँ हाँ। चलें जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चटनी भी बना ली थी, अब चलते हैं चटनी भी रखते हैं, चल के आराम से आराम से आराम, चलो ओहो आराम से आराम से, अबू बकर इसे एक एक चटनी लेके नीचे रखो, चलो ठीक है गुड हो गया। वो बॉटल सीधी करो बबली, बॉटल जो रखिए, अब आ गया हमारा मीठा पानी, आराम से गोलू, हाँ बलफ भी है अंदर, अब भैया को दे दो, भैया को दे दो, हाँ चलो अब जो है ना सादा पानी देते हैं, एक मिनट आपके हाथ में दर्द है बेटा बबली, चलो भैया को दे दो, सीधा पकड़ो
हाँ चलो, तो चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ना चल के ये सालन भी रखते हैं और बाकी सालन जो है ना वाइफ लेके आ रही हैं। तो चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पकोड़े शकोड़े चटनी वटनी सब और मीठा पानी भी आ गया लेमन वाला, और यहाँ जो है ना हमारे बच्चे भी आ गए। चलो भाई दुआ मांगो। और यहाँ जो है ना गोलू भी है। भाई गोलू आज इधर क्यों साइड पे क्यों बैठे हो? खैर है आज न स्काफ है न कुछ है। चले तो अभी मैं भी दुआ मांगता हूँ, बस थोड़ा सा 2 से 3 मिनट रह गए और दुआ मांग के फिर जो है ना शुरू करते हैं खाना। आज जो है ना हालत बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी टाइट टाइट थी, उसकी वजह ये थी कि भाई पहले हम फिरोज़ा थे, फिरोज़ा से फिर आए घर, घर से फिर यहाँ से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर गया हूँ, 60 किलोमीटर वापस आया हूँ, तो तकरीबन 120 किलोमीटर बाइक पर सफ़र किया। फिर उसके बाद खानपुर थोड़ा सा सामान आया हुआ था, सुमेरा ने भेजा था, तो फिर वो उठाने के चक्करों में क्या बोलते हैं 2-3 घंटे वहाँ, 1 से 2 घंटे तकरीबन वहाँ मुझे लग गए। और बस वाले ने जो किया ना भैया, आज मैं समझता हूँ अब मुझे रोज़ा था, मैं क्या बताऊँ। इतनी सी जगह थी, इतनी यानी एक टाइप की जैसे वो बोलते हैं ना क्या हो गई, हाँ एक शॉप हो गई, शॉप के अंदर बिल्कुल बस उन्होंने घुसेड़ी हुई थी जहाँ वो खड़ी करते हैं बस को, तो सामान जो था ना वो भूल गए बस के अंदर। अब मुझसे वो लड़ रहे हैं कि भाई तुम लेट आए हो ये वो। मैंने कहा भाई मैं आपसे तकरीबन 9 बजे 10 बजे आया था, तब भी आपको बोल के गया था कि सामान बाहर निकाल के रख देना, मैं वापसी पे लेता जाऊँगा। मैंने कहा मुझे रोज़ा है, मैं 30 किलोमीटर फिर से सफ़र करके तो नहीं आ सकता रोज़े में। तो बोल रहे थे नहीं आप चले जाओ, 4:30 बजे आना, 5 बजे आना, 6 बजे आना। मैंने कहा अभी मैं रोज़े में रोज़ा छोड़ के पहले आपका आऊँगा जाऊँगा। मैंने कहा तो फिर वो मुझसे लड़ रहे थे, हाँ भाई क्या है ये वो। एक उस्ताद आया नसवार, इतना बड़ा गड्ढा गाँव यार। अब मैं बोलूँ भाई मैंने, मेरी गलती क्या है कि भाई कार्गो के पैसे भी भरे सब कुछ भरे और अब सामान देने के टाइम ये लोग ऐसे कर रहे हैं। असल में वो जो बस ड्राइवर था उस बस का, वो जो है ना वो चला गया था, एक और बस ड्राइवर सो रहा था तो उसको उन्होंने बोला है, तो वो हाइपर हो रहा था मेरे साथ, आ जाते हो ये है वो है। मैंने कहा भाई मुझे रोज़ा है, देखें मैंने किस लिए कार्गो इंसान करवाते कि भाई जाऊँगा पड़ा होगा सामान लेके आ जाऊँगा। मैंने कहा अब आप बोल रहे हो कि नहीं तुम्हारी गलती है, मैंने कहा मैं तो सुबह भी आया हूँ, फिर रोज़ा था तो मैंने इतनी ज़्यादा बात नहीं की, वो बातें करे जा रहा था करे जा रहा था, लेकिन मैं यही सोच रहा था भाई मेरी गलती क्या है इसमें, मेरी गलती तो बताओ। तो वो आपस में ही फिर लड़ने लग गए, ये वो दूसरा करके जाता कैलेंडर कहाँ है ये वो। तो मैं तकरीबन 1 घंटा वहाँ खड़ा हूँ, उसके बाद जाके उसने बस निकाली है उस जगह से। पहले तो मुझसे बोल रहे थे इतनी सी जगह थी इसमें जाओ घुस जाओ निकालो, मैंने कहा कहाँ से निकलेगा। फिर क्या बोलते हैं जाके उन्होंने 1 घंटे बाद निकाली और सामान दिया है, फिर उसको हाईएस पे रखवाया है, तो मैं व्लॉग ही नहीं शूट कर सका, इतना आज ना स्ट्रेसफुल दिन गुजरा है। तो चलें चलें भाई इसी के साथ अब व्लॉग को करते हैं एंड। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे के हाथ दिखाने गए थे बाजू, तो उसने तो ये बोला कि भाई लग गई है, लग तो गई है लेकिन उसकी बाजू जो है ना सीधा नहीं हो रहा था। अब मैं उधर खड़ा हुआ डाउटफुल मेरे दिल में, लेकिन वो बोल रहा था नहीं ओके ये थोड़ा सा पट्ठों का मसला है, इसकी मसाज वसाज करवाएं इसका हाथ सीधा भी हो जाएगा। मैंने कहा ओके, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है 1-2 बंदे उनका हाथ बाजू बांधा हुआ है लेकिन वो इससे नीचे नहीं होता, तो मैंने कहा इसका भी वही ना हो गया हो। तो अभी देखते हैं 1-2 वीक तक मसाज करवाने के बाद क्या रिज़ल्ट निकल के आते हैं। उम्मीद तो यही रख रहे हैं कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाए, हाथ सीधा भी हो जाए, बाजू यानी सीधा भी हो जाए, क्योंकि ये कोनी वाली जगह थी तो बहुत ही गंदी जगह है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होती है जुड़ने में और ये चीज़ें में, क्योंकि काफ़ी डॉक्टर्स बोल रहे थे कि भैया आप ऑपरेट करवा लें, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, बस दुआ कीजिएगा। क्योंकि तकरीबन मैं समझता हूँ कि 10-20 हज़ार पहले एक जगह से बंधा रहे थे, उधर से सेट नहीं हुई, फिर अब इस जगह पर भी यही सीन है, तो गरीब बंदे के लिए भी बहुत है। तो चलें इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, दुआओं में रखिएगा यार।